दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों इस साल भी 2022 में टारगेट है मिनिमम 30 एकड़ लैंड एनहांस करी जाए, कल्चर करा जाए, नर्सरी पे कुछ वर्कआउट करा जाए और ग्रेजुअली जो 365 एकड़ का विजन है उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए अचीव करना ही है। तो किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो न्यू बिगनर्स आ रहे हैं, पहले मछली को समझें। आप आखिरी मछली पालक नहीं है, मछली पेशेंस का काम है। YouTube Facebook के माध्यम से ना जाएं, केवल वो टैगलाइन ना पढ़ लें 20,000 लगाए 80,000 हो गए। कोई मछली सोने की मछली नहीं होने वाली है, ना मल्टीफोल्ड होने वाले हैं। एक नॉर्मल आप प्रॉफिटेबल वेंचर है, स्केलेबल वेंचर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप ये ना सोचें एक महीने में मछली 4 किलो की हो गई और आपके एक साल में 4 गुना हो गए। इस मिथ से बाहर निकलें और फार्म घूमें, एजुकेशन लें, सेमिनार अटेंड करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सक्सेस फिश फार्मिंग है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, या ये कह सकते हैं एक सक्सेसफुल फार्मर के लिए कि क्या खासियत है कि रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस फिश फार्मिंग। तो मैं आपको 5 मूल मंत्र बताने वाला हूं कि जिसके कारण आप ये देख पाएंगे कि आप अपने आप को सक्सेस वाली कैटेगरी में कंसिडर कर रहे हो, फेलियर वाली कंसिडर कर रहे हो। सबसे पहला आपका फाइनेंशियल एबिलिटी। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले फंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। वो आप मुथूट से लो, बैंक से लो, सब्सिडी लो, पेरेंट्स से लो, दोस्तों से लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट डिजाइन आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी पे होगा। मछली के फार्मिंग के केस में अगर आपका फाइनेंशियल कहीं पे ब्रेक हो गया तो मछली आपकी ब्रेक हो जाएगी। सिंपल, पहला रूल फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी। दूसरा, यूज ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ एक्सपीरियंस फार्मर। जो एक अच्छा फार्मर है उसकी जो प्रूवन मेथड्स है आप वो फॉलो करें। ये मैंने फॉलो करें तभी मैं वो शेयर कर पा रहा हूं आपसे। एक्सपर्टीज ऑफ एक्सपीरियंस फार्मर, कोई भी एक्सपीरियंस फार्मर ऐसे नहीं बना, आप समझो जिसने टाइम दिया है। ओवरनाइट सक्सेस नहीं आती, सक्सेस का मूल मंत्र ही हार्डवर्क है और हार्डवर्क कभी 1 घंटे में नहीं होता। जनरेशंस लग जाती हैं, डिकेड लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं उसे पाने में। तो हमेशा एक फार्मर, एक गुरुजी पकड़ें, उसे फॉलो करें, उसके प्रूवन मेथड्स फॉलो करें तो आप सक्सेसफुल फार्मर, सक्सेसफुल फार्मिंग करेंगे। तीसरा, अपने वर्कर्स को ट्रेन करें। हमारे वर्कर्स ट्रेन होने चाहिए। कोई भी हमें वर्कर ऐसा नहीं रखना, टाइम लगेगा ट्रेन करने में, तो हमें ट्रेन वर्कर हमें रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो बैकबोन है वो हमारे वर्कर ही हैं। चाहे वो नेटिंग का काम हो, सैम्पलिंग का काम हो, फीडिंग का काम हो, सेल का काम हो, रेगुलर एक्टिविटी हो, वाटर टैंक, मतलब एक्वा कल्चर का कोई भी A to Z काम हो वो वर्कर ड्रिवन, लेबर सेंट्रिक नहीं है। लेकिन वर्कर जो काम करेंगे वो हमारे एक्सपीरियंस होने चाहिए, उसे हम ट्रेन करेंगे। ट्रेन मैन पावर चाहिए, हमें फ्रेशर्स नहीं चाहिए। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेशर को सबसे कम CTC मिलती है, जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वो जॉब भी स्विच ऑन करता रहता है और उसकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो सेम स्टोरी यहाँ पे है, तो हमें एक्सपीरियंस फार्मर चाहिए। दूसरा, हमें जो प्रोजेक्ट लोकेशन है वो भी हम ये दिमाग में 100% रखें। अगर हम कहीं उसे जहाँ पे कम्युनिटी रह रही है, जहाँ पे सराउंडिंग से लोग बाग रह रहे हैं, वहाँ पे आप फिश का हमेशा अच्छा प्राइस देख पाओगे। ये बड़ा ध्यान रखें, कभी भी ऐसा ना करें कि हमने 1000 किलोमीटर दूर एक फार्म बना लिया है 50 एकड़ का और वहाँ पे मिनिमम लोकलिटी 300 किलोमीटर दूर है। अवॉइड करें फार्म लोकेशन ऐसी लें कि जहाँ पे कम्युनिटी भी हो आसपास, प्राइस अच्छा मिलेगा, हमेशा कम क्वांटिटी में बिकेगी, कैश फ्लो हमेशा मेंटेन रहेगा। और लास्ट पॉइंट, जब आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो, हमेशा नर्सरी मैनेजमेंट अपना इन हाउस रखें, ईयरलिंग फिंगरलिंग बाहर से परचेज ना करें। और जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा तो आपका ये 10 से लेकर 25% तक नर्सरी मैनेजमेंट में जाएगा। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मेरी 100 एकड़ की फार्मिंग में 25 एकड़ मेरा नर्सरी मैनेजमेंट है। अगर आप 25 एकड़ में नर्सरी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, स्पॉन को फिंगरलिंग नहीं बनाएंगे, फिंगरलिंग को ईयरलिंग नहीं बनाएंगे, तो फिर ग्रोआउट में क्या डालेंगे। तो आपको इनिशियली, और नर्सरी मैनेजमेंट ऐसा भी नहीं कि आप 1 एकड़ में 1 पॉन्ड बना लें, 1 एकड़ कल्चर का ग्रो आउट या 1 एकड़ नर्सरी, नहीं।
मिनिमम 8-10 एकड़ की जब फार्मिंग करोगे तो 10% आपका नर्सरी मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये 5 बेसिक मूल मंत्र मैंने आपको एक सक्सेसफुल फिश फार्मिंग की डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको शेयर किए हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगेन मेरा फोकस है एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, फोकस करें तभी आप एक अच्छी फिश फार्मिंग कर पाएंगे। जहां भी एक्सपो लगे उसे अटेंड करें, जो भी वेबिनार हो, जो भी अच्छे डॉक्यूमेंट्स मिले उन्हें पढ़ें और एक्सपीरियंस फार्मर को फॉलो करें। धन्यवाद।